परियोजना की शुरुआत सीएम योगी ने पीएम मोदी की प्रशंसा की। सालों से चर्चा में थी केन बेतवा लिंक परियोजना। सीएम मोदी ने विश्व जल दिवस के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जल शक्ति अभियान का किया शुभारंभ। अभियान को जल शक्ति अभियान कैच द रेन नाम दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 लोगों की मौत के मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। एसडीएम और सीओ सहित 10 लोग निलंबित। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। देश के साथ प्रदेश में एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अपने सरकारी आवास पर कोर टीम के साथ बैठक में सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोगों को कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए लगातार जागरूक करें, इसमें जरा भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। आज विश्व जल दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में नदियों को आपस में जोड़ने की पहली परियोजना पर हस्ताक्षर किए गए और सालों से चर्चा में बनी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के केन बेतवा लिंक परियोजना की शुरुआत की गई। यहां समझौता केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बीच हुआ। सीएम योगी ने पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। केन बेतवा लिंक परियोजना की शुरुआत सीएम योगी ने पीएम मोदी की प्रशंसा की। सालों से चर्चा में थी केन बेतवा। यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि हम देश में नदियों को जोड़ने वाले ऐतिहासिक फैसले के क्रियान्वयन की ओर बढ़ रहे हैं। मैं मानता हूं कि भारत सरकार का यह कदम पूर्व प्रधानमंत्री सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी को सच्ची श्रद्धांजलि है, जिन्होंने नदियों को जोड़ने का प्रस्ताव रखकर राष्ट्र के स्वर्णिम भविष्य की कल्पना की थी। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने सदैव अटल जी के सपने को साकार करने का बीड़ा उठाकर इस परियोजना को अब जमीन पर उतारने का निर्णय लिया है। आपको यह बताते हुए मुझे गौरव की अनुभूति हो रही है कि केन बेतवा लिंक परियोजना देश की पहली नदी जोड़ परियोजना है। मेरा दृढ़ विश्वास है यह परियोजना उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड और उसके नजदीकी क्षेत्रों में भरपूर जल उपलब्ध करवाने में मददगार साबित होगी और इन क्षेत्रों में बाढ़ और सूखे की समस्याओं से निजात भी मिलेगी। मुझे यह कहते हुए अपार हर्ष है कि केन बेतवा लिंक परियोजना के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सरकार एवं केंद्र सरकार के बीच समझौता हो गया है। यह परियोजना विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश राज्य के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। इस परियोजना से उत्तर प्रदेश के सूखाग्रस्त बांदा झांसी ललितपुर महोबा हमीरपुर जनपदों में 2.5 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। 35 लाख से अधिक लोगों को पीने के लिए शुद्ध पेयजल भी उपलब्ध होगा। इन क्षेत्रों का समग्र विकास होगा। अंत में मैं भारत सरकार का आभार व्यक्त करते हुए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की जनता को इस परियोजना के लिए हृदय से बधाई देता हूं। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जल दिवस के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जल शक्ति अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान को जल शक्ति अभियान कैच द रेन नाम से दिया गया। इससे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई जिलों को सूखे से राहत मिलेगी। पीएम मोदी की उपस्थिति में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बीच केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। बता दें कि केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट नदियों को आपस में जोड़ने के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना का पहला प्रोजेक्ट है। कम पानी में हम देसी अच्छी फसलें पैदा कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमने समुदाय को इकट्ठा करके
अभ्यास किया, चराका डेवलपमेंट का काम किया, 1200 एकड़ हमने सब चराका को डेवलप किया, उसके अंदर ट्रेंच एटीएम वगैरह बना करके पानी को संग्रहित किया, जिससे काश्तकारों को लाभ हुआ और जो बकरी और भेड़ हमारा एटीएम का काम करती है ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, ये कभी भी बेच करके उस भेड़ और बकरी को वो अपने परिवार के शिक्षा के लिए, जन कल्याण के लिए, स्वास्थ्य के लिए उपयोग में ले सकते हैं। उन सारी चीजों को हमने जब जन समुदाय को समझाने का प्रयास किया तो जन समुदाय हमारे साथ जुड़ता गया और इस तरीके से जल संग्रहण के काम में हमने काम किया। भविष्य में भी आज के शुभारंभ दिन के दिन अवसर पर हम आपको आश्वासित करना चाहते हैं कि इस जल संग्रहण के कार्यक्रम को जल प्रबंधन और भविष्य में जल संरक्षण की उपयोगिता हमारे ग्रामीणों को समझा करके हम इस कार्यक्रम को आगे से आगे हमारे पूरे जिले में ले जा करके जल के संबंध में आत्मनिर्भर जिला बनाने का प्रयास करेंगे। यही मैं आपको आज के दिन आश्वासित और शुभकामना प्रदान करने का प्रयास करता हूं। सर जी, आपकी पढ़ाई कितनी हुई है? मैं सेकेंड ईयर तक पढ़ा हुआ हूं सर। तनाव किया है? इतना है कि आप तरीके से आप समझाते हैं सर कि कोई अनपढ़ भी समझ सकता है और बड़ा बुद्धिमान आदमी है उसको भी सीखने को मिलेगा। इतना बढ़िया तरीके से आप सर, मैं 25 साल से पंचायत राज में विभिन्न पदों पर रहा हूं, 10 साल उप सरपंच रहा हूं, 15 साल सरपंच रहा हूं, अभी भी मैं पंचायत में वार्ड पंच हूं और मेरी पत्नी पंचायत समूह की सदस्य हैं। सिंह जनता का प्रेम और आपका मार्गदर्शन और आशीर्वाद हमें नई ऊंचाइयों के लिए चाहिए। इसके अनुभव की बड़ी ताकत होती है, उसकी स्वर्ग आपने दिखा दिया। अब मुझे लगता है आप बुद्धि का नाम बुद्ध जल क्रांति वाला बन जाएगा। सर, मैं भीलवाड़ा से ऊपर आज पर चुनाव होने की वजह से मुझे बुद्धि आना पड़ा सर। मैं भीलवाड़ा जिले का रहने वाला हूँ। अच्छा, भीलवाड़ा से है? जी सर, जी सर। अच्छा, आपके यहाँ आबादी कितनी है, जनसंख्या कितनी है? गांव 6133 है सर। अच्छा, यह बड़ा गांव है। जी सर। अच्छा, अभी पानी का लेवल कितना ऊपर आया होगा? 100 से 125 फीट पे रह गया सर, पहले 200 से 250 फीट पे था। फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होती थी, इसलिए मैंने अड़ोसी पड़ोसियों को देख करके जल संग्रहण की मेरी इच्छा जागृत हुई सर। मेरे गांव में बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं जो कुबड़े हो गए सर फ्लोरफीट के पानी की वजह से। ये लोगों को समझ है? जी सर। पानी में फ्लोराइड होने से उनके दांतों पर किले दाग हो जाते हैं, हड्डियां जब वो मुड़ जाती है, ये वहां के लोगों को मालूम है कि जब पानी से सर टैंक लगा करके मैंने चालू का भी और स्वास्थ्य विभाग के टैंक लगा करके भी मैंने इस तरीके के किए हैं सर। मैंने आंखों के टैंक भी लगाए ग्राम पंचायत के माध्यम से सर, प्रतिवर्ष 27 वर्ष से लगा रहे हैं सर। और मैंने ग्राम जी जनता देखिए, राजस्थान और गुजरात वाले ये पानी का कष्ट क्या होता है वो बहुत बड़ी बातें समझते हैं जी। ठीक है, हम मैं भी गुजरात से आता हूँ और गजेंद्र सिंह जी हमारे राजस्थान से आए थे जी। तो पानी की दिक्कत क्या होती है वो हम लोग तो बचपन से देखते आए हैं और इसलिए पानी का महत्व क्या है वो भी हम जानते हैं जी। और इसलिए मैंने भारत सरकार में मंत्री भी उस जगह से बनाया है जो पानी हमारा जिंदगी गुजार के आया। इसके लिए हमारा बहुत बहुत आभार सर आपको, राजस्थान वासियों की तरफ से संपूर्ण आभार। इसको समझा है सर मैंने और हमारी महिलाओं का श्रम को बचाने के लिए मैंने एसएचजी ग्रुप तैयार किए सर। मेरे ग्राम पंचायत में बेहतर एसएचजी ग्रुप है जिनसे 577 महिलाओं को जोड़ा है सर। 2,80,00,000 रूपये का उनको छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगाने के लिए मैंने उपलब्ध कराया है सर। आत्मनिर्भर बनाने के लिए मैं मेरी ग्राम पंचायत को पूरी तरीके से प्रयास करता हूं सर। चलिए किशोर जी, आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। सर राजस्थान बधाई है आप में, मेरा आपसे और माननीय मंत्री महोदय से हार्दिक निवेदन है कि एक बार जरूर आप भीलवाड़ा में हमारा आपको आशीर्वाद देने पधारे सर। हाँ, आप ले जाइए, आ जाइए आप तो। और अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी श्री अरविंद जियाल जी से, जो कि टुंगी जिले से हैं, देवप्रयाग ब्लॉक से ही गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड, तो आपसे मैं अनुरोध करना चाहूंगी कि आप अपने अनुभव हमारे साथ बांटे। जी सर, प्रणाम। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी एवं जल शक्ति मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री
जी को, और इस विश्व जल दिवस की सबसे पहले आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ग्राम पंचायत टोंगी देवप्रयाग से, जहां से मां गंगा का उद्गम स्थल होता है, उत्तराखंड का रहने वाला हूं और उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां विभिन्न है। यहां पर पानी को रोक पाना, जैसा कि आप समझते हैं, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यहां पर जो है पहाड़ी इलाके हैं। भौगोलिक विषम परिस्थितियों के बावजूद भी हमारे साथी युवा साथी रहे हैं, उन्होंने परंपरागत तौर पर जो उत्तराखंड में खेती होती है उस पर हमने जो है पहले सर्वे किया, और सर्वे करने के बाद हमें जो जानकारियां प्राप्त हुई कि उत्तराखंड के पर्वतीय जो क्षेत्र थे, ऊपर ज्यादा ऊंचाई पर जो क्षेत्र थे, वहां पर जो लोग छाने में रहकर खेती करते थे, तो वो लोग चाल खाल के कॉन्सेप्ट को अपनाते थे, और उस चाल खाल के कॉन्सेप्ट से जो है हमारा जो ग्राउंड वाटर था उसका लेवल बढ़ता था। तो इसी पर काम करते हुए हमारे ग्राम पंचायत की महिलाओं ने, हमारे युवा साथियों ने काम किया, और चाल खाल का जो है हमने इस समय अपने ग्राम सभा में प्रस्तावित मनरेगा के तहत जो है योजना को हमने रखा है। साथ ही हमारे युवा साथियों ने और हमारे ग्राम सभा की महिलाओं ने जो हमारे जल स्रोत हैं उनके आसपास 15 पौधों का भी जो है लगाए हैं, और उनका देखरेख, उनका संरक्षण, उनका सही रखरखाव हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है, ताकि हमारा जो जल स्रोत है वह शुद्ध रहे और उसका जो पानी का जो शुद्धिकरण है वो निरंतर होता रहे। साथ ही हमने बरसात का जो पानी लगातार नीचे की ओर बहता था, और जो गंदा पानी गांव में जो सड़कों में या हमारे गलियों में जो निकलता था उसको रोकने का हमने प्रयास किया है, जिसके लिए हमने सूखते गड्ढों का, हर घर में जो है सूखते गड्ढों का निर्माण कराया, और बरसात के पानी का और आपके जो गंदे पानी का उसकी निकासी के लिए सूखते गड्ढों को हमने किया है, कार्य किया है, ताकि वाटर लेवल जो है बढ़ सके। दूसरा, हमने जो हमारे गंगा नदी में जो गधेरे हमारे गांव से निकलते थे, उन गधेरों पर हमने नहर बनाते हुए उन नहरों से डाइवर्ट करके अपने खेतों में हम पानी लाए हैं, और अब उस पानी से हमारे खेती होती है, उसके आसपास के जो स्रोत हैं वो भी रिचार्ज होने लगे। साल से पानी के पीछे लगे हो? जी, मैं तकरीबन 2015-16 से भारतीय वन्यजीव संस्थान के साथ जुड़ करके मैं भारत का पहला गंगा प्रहरी बना, और गंगा प्रहरी बनने के बाद मुझे भारतीय वन्यजीव संस्थान NMCC से लगातार जो दिशा निर्देश मिले उन पर मैंने कार्य किया। हमारे 5 राज्यों में गंगा प्रहरियों की पूरी टीम है, और वह सब पर्यावरण को लेकर, जल संरक्षण को लेकर कार्य करते हैं। लगभग 5-6 साल हो चुके हैं, और उसी के अनुभव के आधार पर मुझे मेरे ग्रामवासियों ने ग्राम प्रधान निर्विरोध चुना। अगला मूल कहां से रहने वाले? जी, हम मूल रूप से टोंगी गांव के हैं, और मां गंगा का उद्गम स्थल देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड से काम में रहने वाला हूं। वहां पर पानी की स्थिति क्या है आपके यहां, जहां आप जहां पैदा हुए? जहां हम पैदा हुए हैं वहां पर हमारे स्रोत हैं, और प्राचीन अगर इतिहास देखें तो वहां पर शांता नदी है जो कि हमारी मां गंगा से मिलती है, तो हमारे यहां पर स्रोत का जो पानी है काफी बहुत मात्रा में है। देखिए अरुण जी, मैं जब तो उत्तराखंड आया हूं और मैं वहां के सत्य से बहुत जुड़ा रहा हूं, मैं हमेशा एक बात देखता था और बोलता भी था कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी कभी पहाड़ से काम नहीं आता। जवानी है वो भी कहीं रोजी रोटी के लिए चली जाती है, और पानी से आता तो बहुत तरीके कह जाता है। और मैंने कहा था अगर वो उत्तराखंड का भला करना है तो पहाड़ का पानी पहाड़ के लिए लगाना है, और अगर पानी पहाड़ का पानी का पहाड़ के लिए लग जाएगा तो पहाड़ की जवानी तो इस बात काम आगे ही आएगी, और उस काम को आप आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे खुश सुनकर के बहुत अच्छा लगा, आपको बहुत बधाई देता हूं, बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। और अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी श्री श्रीनिवास जौकर जी से, जो कि सरपंच हैं दुपत महागांव बिलर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक से, कि आप कृपा करके अपने अनुभव हमारे साथ बांटे। नमस्ते जी, क्या हुआ दुर्गा जी सड़क पे है? श्रीनिवास को बड़ी बात। श्रीनिवास जी नमस्कार। नमस्ते।
आदरणीय इंडिया प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी और राज्य मंत्री जी को मेरे तरफ से शरण शरणार्थ। सर आप बताइए क्या क्या काम किया है आपने। हाँ सर, मेरे पंचायत में स्वच्छ सेंचुरी में एक बहुत बड़ा तालाब था, वो गगवान सिंह के नाम से है उनको। फिलहाल खबरों का सिलसिला यूं ही बना रहेगा, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है, जुड़े रहना हमारे साथ। मिलते हैं बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। अपना खुद का आवास हर व्यक्ति का सपना होता है, और पिछले चार वर्षों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेशवासियों के खुद के आवास के सपने को पूरा किया है। उत्तर प्रदेश में 40 लाख से अधिक आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत हुए हैं, जो आज तक किसी भी सरकार में सबसे अधिक है। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक 9 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 76,000 से अधिक परिवारों को स्वयं का आवास मिल चुका है। मुझे प्रसन्नता है कि मुख्यमंत्री आवास योजना में 76,000 परिवार अब तक आवास से वंचित थे, और इतने परिवारों के जीवन में व्यापक खुशहाली लाने का कार्य इस योजना ने किया है। और बहुचर्चित लाइट हाउस प्रोजेक्ट के लिए मॉडल रूप में उत्तर प्रदेश का चयन हुआ है। लोगों की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में 2,61,00,000 से अधिक शौचालयों का निर्माण कराया गया है, जिससे 7,00,00,000 से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं। योगी जी ने हमारे लिए शौचालय बनवाया है, इससे हमें फायदा है, हमें बाहर नहीं जाना पड़ता है। गत 4 वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने कुशल कार्यों से करोड़ों प्रदेशवासियों के सपने को साकार किया है। उत्तर प्रदेश में काम दमदार योगी सरकार। देश की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज इलाके में सबसे पुराना और सबसे लोकप्रिय गोल्ड जिम, जहां आपके फिटनेस का रखा जाता है खास ध्यान। कोविड प्रोटोकॉल के पालन के साथ ही फिटनेस की दी जाती है 100% गारंटी, जो आपको सालों साल तक रखे फिट। लड़का लड़की हर कोई जा सकता है गोल्ड जिम। गोल्ड जिम आपको करवाता है वर्कआउट, एक्सरसाइज, योग, कार्डियोलॉजी, एथलेटिक्स, और साथ ही देता है फिटनेस ट्रेनर, हाइजीन सामान के साथ। तो इन सभी लाभ को उठाने के लिए आप लोगों को अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा समय निकालकर अपने दिमाग, दिल और शरीर को फिट रखने के लिए जाना होगा गोल्ड जिम। तो देर किस बात की, आज ही जाइए गोल्ड जिम। मोर पेन के साथ मोर गेन। गोल्ड जिम करता है आप लोगों से वादा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो भी कोविड के प्रोटोकॉल रखे हैं, उन सबका पालन करते हैं। हमारे गेट पर या हमारे फ्लोर पर जगह जगह सैनिटाइजेशन स्टेशन हैं। हमारे मेंबर्स मास्क पहन के एक्सरसाइज करते हैं, और हम उनका रेगुलर टेम्परेचर चेक्स भी लेते रहते हैं आने और जाने के दौरान। तो उन सब चीजों का हम लोगों ने यहाँ पे ध्यान रखा है और पूर्णता पालन कर रहे हैं। हमारा पता है SRS हेल्थ एंड फिटनेस LLP, UGF 213-218 रोहतास KS ट्रीडेंट 10 राणा प्रताप मार्ग अपोजिट NBRI लखनऊ। हमारा पिन कोड है 226001। हमारा फोन नंबर है 9129663888। हमारी ईमेल आईडी है www.goldgymindia.com।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। चित्रकूट जिले में मिलावटी शराब के सेवन से शनिवार को 5 लोगों की मौत के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त एक्शन लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से ही इस प्रकरण में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके बाद एसडीएम और सीओ सहित 10 लोगों को निलंबित किया गया है। 3 आबकारी दरोगा के साथ घटना के संबंध में लापरवाही को देखते हुए उपनिरीक्षण ब्रिजेश और बीट कांस्टेबल भूपेंद्र सिंह सहित संबंधित लेखपाल और राजेश सिंह को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। साथ ही इस मामले में इलाके में शराब का ठेका चलाने वाले राम प्रकाश यादव और प्रचून की व्यापार की जो दुकान है उसे चलाने वाले त्रिलोक सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। गृहमंत्री के प्रवक्ता ने बताया है कि मुख्यमंत्री ने राजापुर के उप जिलाधिकारी राहुल कश्यप, विश्वकर्मा क्षेत्र अधिकारी राजापुर राम प्रकाश और जिला आबकारी अधिकारी चतरसेन चित्रकूट को दायित्व का सही ढंग से निर्वहन न करने के कारण तत्कालीन प्रभाव से निलंबित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने तृतीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले ही अपनी तैयारी मुस्तैद कर रही है। सरकार ने इसकी शुरुआत पुलिस विभाग में तबादलों से की है। सोमवार सुबह 56 डिप्टी एसपी का तबादला किया गया है। इससे पहले शासन ने रविवार रात को 10 अपर पुलिस अधीक्षकों का कार्य क्षेत्र बदला था। 2 दिन में 66 पीपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। सोमवार को जारी तबादलों की सूची में 56 डिप्टी एसपी का कार्य क्षेत्र बदला गया है। 2 दिन में बड़े पैमाने पर हुए तबादले को लेकर पुलिस विभाग को खलबली में पहुंच गई है, जबकि पुलिस विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ये सामान्य तबादले की प्रक्रिया थी, उसी के तहत तबादले किए गए हैं। सोमवार को जारी 56 डिप्टी एसपी के तबादले की सूची में विक्रमजीत को डीएसपी बालिया बनाया गया है। इसके साथ ही कई अन्य अफसरों का भी तबादला किया गया है। बिक्रूकांड के आरोपी को पुलिस ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत सबसे पहले गैंगस्टर विकास दुबे के भांजे शिवम तिवारी पर रासुका जारी की गई है। पुलिस के शिवम के खिलाफ जितने भी सारे सबूत थे वो जुटा लिए हैं और जल्द ही रासुका की फाइल स्तुति के लिए शासन को भेजी जाएगी। बीते साल 2 जुलाई की रात विकास दुबे के घर बिकरू गांव में पुलिस दबिश डालने गई थी, जहां पुलिस टीम पर हमला किया गया था, जिसमें सीओ समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। इस मामले में पुलिस ने 4 महिलाओं, 2 पुलिसकर्मियों समेत 26 लोगों को जेल भेजा था। इस घटना के बाद ही महिलाओं और पुलिसकर्मियों को छोड़कर अन्य आरोपियों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई का दावा किया गया है, मगर नियमानुसार रासुका की प्रक्रिया तब तक शुरू नहीं की जा सकती थी जब तक कि आरोपित जमानत के लिए अदालत में याचिका दाखिल ना कर दे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।